हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक मैं सीरीज वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें आपको एग्जॉस्ट सिस्टम के से रिलेटेड बहुत सारा जानकारी सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत सारा पॉइंट्स को कवर किए जाएंगे, जिसमें SCR सिस्टम होगा, एग्जॉस्ट फ्लूड, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड कहाँ यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, और SCR सिस्टम में क्या क्या होता है, कौन कौन से कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, और क्या रिएक्शन होता है, कौन से रिएक्शन होकर क्या क्या फॉर्म होता है, और एग्जॉस्ट सिस्टम में हार्मफुल गैसेस जो फॉर्म होता है उसको कैसे रोकते हैं या फिर न्यूट्रलाइज करते हैं, सब आपको डिटेल्स में इस सीरीज वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और स्पेशली जो DEF होता है, यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, आपने देखा होगा कि ट्रक में या फिर कई जो हैवी हैवी व्हीकल्स या फिर ऑफ रोड व्हीकल्स या फिर इक्विपमेंट्स होगा, उसमें आपको आपको देखा होगा कि एक सफेद कलर का टैंक होता है जिसके अंदर पानी जैसा भरा हुआ है, जिसे AdBlue के नाम से जानते हैं या फिर DEF से के नाम से जाना जाता है, और या फिर AUS 32 इस नाम से भी जाना जाता है। अब ये AUS 32 का मतलब होता है एक्वियस यूरिया सोल्यूशन, जिसमें 32% होता है, इसलिए इसे AUS 32 भी कहा जाता है। तो क्यों यूज किया जाता है, और जो DEF होता है इसके अंदर क्या होता है, यूरिया होता है और पानी होता है, तो इसमें भी क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर क्वालिटी खराब होता है तो आपका इंजन पे या फिर एग्जॉस्ट सिस्टम पे या फिर SCR सिस्टम में क्या परिणाम होता है, और एनवायरमेंट पे भी क्या परिणाम होता है, सब आपको एक एक पॉइंट वाइज आपको एक एक वीडियो में डिटेल्स में बताया जाएगा। और अगर इस रिलेटेड अगर कुछ कुछ भी अगर डाउट रहता है आपको, कुछ भी क्वेश्चन रहता है, या फिर कुछ भी पूछना चाहता है चाहते हो आप, या फिर जानकारी लेना चाहते हो, तो आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा इसमें, तो आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले सीरीज वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे वो आपको मिले। धन्यवाद।